गाइस, इवेस्ट्री ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोज में कैसे स्टार्ट किया जाता है एडोबी एचडी को और गेटिंग स्टार्टेड कंटेंट्स के बारे में मैं बताया हूं, तो ये वीडियोज भी आप देख लेंगे। तो आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं वर्किंग विद आर्टबोर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको वर्किंग विद आर्टबोर्ड से कैसे वर्क करना है। तो वर्किंग विद आर्टबोर्ड्स में आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो डिजाइन्स हैं इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ क्रिएट आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड है क्या चीज? तो आर्टबोर्ड जो स्क्रीन होता है मोबाइल का, वही आर्टबोर्ड होता है। इसपे जितने भी स्क्रीन बनते हैं, अलग अलग जो सीन बनते हैं हर मोबाइल स्क्रीन का, उसको आर्टबोर्ड बोलते हैं। तो ये जो आप आर्टबोर्ड देख रहे हैं इसको आर्टबोर्ड बोलते हैं। और उसके बाद बताऊंगा सिलेक्ट आर्टबोर्ड के बारे में, कॉपी एंड रिसाइज आर्टबोर्ड, रीअरेंजिंग आर्टबोर्ड, रीनेम आर्टबोर्ड और अलाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट आर्टबोर्ड्स। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉपी एंड मूव एलिमेंट्स बिटवीन आर्टबोर्ड और कट कॉपी के बारे में भी मैं बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्रिएट आर्टबोर्ड्स के बारे में। तो क्रिएट आर्टबोर्ड्स में कैसे क्रिएट करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपको जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। और न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि मोबाइल या जो भी डिवाइस आपको सिलेक्ट करना है वो आपको सबसे पहले सिक्योर आपको ये मेक श्योर करना है कि क्या हमें किस प्लेटफॉर्म पे डिजाइन क्रिएट करना है। आईफोन के लिए करना है या एंड्रॉयड मोबाइल के लिए करना है या आईपैड के लिए करना है या टैबलेट के लिए करना है, एंड्रॉयड टैबलेट के लिए या सरफेस के लिए। उसके बाद विंडोज के लिए करना है तो कौन सी रेजुलेशन में करना है। जैसे कि विंडोज का स्टैंडर्ड रेजुलेशन अभी जो मॉडर्न टाइम में जो चल रहा है ये 1280x800, 1366x768, 1920x1080 1080, ये स्टैंडर्ड साइज है। जो जो स्टैंडर्ड साइज है इसमें पूरे मेंशन किया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हम आपको बता दें कि आईफोन में अगर डिजाइन क्रिएट करना है तो ये साइज जो है बेटर माना जाता है, 375x667। ये आईफोन 6 का डिवाइस का रेजुलेशन है और ये जो है आईफोन 67 का प्लस का रेजुलेशन है, 414x763। तो आपको अगर एंड्रॉइड का मोबाइल बनाना है तो ये मोबाइल आपको इस साइज में सिलेक्ट करना होगा। तो ये इसी को आर्टबोर्ड बोलते हैं। जैसा कि आर्टबोर्ड में आप देख रहे हैं कि अगर आर्टबोर्ड हमें क्रिएट करना है तो आपको यहां से इस ये जो आप पेज देख रहे हैं ये आर्टबोर्ड है। यहां से आर्टबोर्ड क्लिक करेंगे तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एक दूसरा पेज बन जाएगा, मतलब दूसरा आर्टबोर्ड बनेगा, इसको आर्टबोर्ड बोलते हैं। और उसके बाद यहां से एक और लेना है तो यहां से आप क्लिक करके यहां पे ले लेंगे। अगर नीचे आपको पेज क्रिएट करना है तो यहां पे आपको क्लिक करना है, जहां भी आपको क्लिक करना होगा ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वही पेज लेगा जो आप आर्टबोर्ड में वहां पे सेट कर रखे थे अभी। जैसा कि आपको मैं दिखाता हूं एक बार फिर क्रिएट करके, कंट्रोल एन से आपको न्यू ओपन हो जाएगा, यहां क्लिक किया और इस पे आपको साइज सपोज दैट आईफोन 6 का लेना है तो आईफोन 6 पे मैंने क्लिक कर दिया। और उसके बाद क्लिक करने के बाद ये जो जब मैं सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पे जब सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड का साइज की बात करूं तो आपने साइज देखिए, यहाँ पे साइज है, ये साइज का पैनल है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैसे किसको क्या बोलते हैं। ये डिजाइन पार्ट है, इसमें डिजाइन क्रिएट किया जाता है, ये प्रोटोटाइप है। तो प्रोटोटाइप में आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्लिक करने के बाद ये देखिए लिंक है और यहाँ से इंट्रैक्शन दिया हुआ, और इस पे जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक जो है से नेविगेट होता है स्क्रीन, उसके बारे में। तो आपको अभी मैं बता रहा हूँ डिजाइन के बारे में। और डिजाइन में ये मेनू बार है और इसमें पूरे ऑप्शंस है। और उसके बाद आपको ये जो पेज है ये मूव टूल है, इसको मूव टूल बोलते हैं। और ये जो है रेक्टेंगल टूल है,
इसको रेक्टेंगल है और इसको सिलेक्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे मूव करना है कोई भी आर्टबोर्ड, ये आर्टबोर्ड है, ये जो आप पेज देख रहे हैं ये, इसको आर्टबोर्ड आर्टबोर्ड बोलते हैं। और साइड में जो एरिया है ये पेस्टबोर्ड एरिया है, मतलब जो भी इमेज आपको यहाँ पे पेस्ट करना है तो आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नया पेज लेना है तो यहां से इस पे आपको क्लिक करना है, यहां नहीं, यहां पे आपको नहीं क्लिक करना है, ये कॉर्नर जहां पे ये लिखा हुआ है पेज, इस पे राइट क्लिक करना है और यहां पे सीधा आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहां पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पेस्ट हो गया। दूसरा आपको पॉइंट बताता हूं, यहां पे आपको क्लिक करना है और अल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से, अल्ट के साथ ये माउस को आपको ड्रैग करना है, तो ऑटोमेटिक ये देख रहे हैं ये सेकेंड पेज आ गया, डुप्लीकेट इसका ले लिया। तो इस तरह से अल्ट यहाँ पे प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ हम ऐसे ड्रैग कर रहे हैं तो डुप्लीकेट बना। अगर अल्ट आप टैप नहीं करते हैं तो केवल जो करेंट पेज को सिलेक्ट किया वो मूव होगा इधर उधर, लेफ्ट या राइट जहां भी करना है, लेकिन अगर इसको अल्ट के साथ आप क्लिक करते हैं तो ये डुप्लीकेट बन जाता है। दूसरा पॉइंट और भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आर्टबोर्ड क्रिएट करना है। आर्टबोर्ड क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और ये आर्टबोर्ड वही सिलेक्ट किए हुए हैं जो स्टार्टिंग में ओपन करते समय ओपन किए थे, तो जो आप वहां से ओपन किए थे वहां पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये साइज ले रहा है, हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, वो साइज ले रहा है जो आपने सेट कर रखा था इस तरह से। उसके बाद आपको मैं ये बता देता हूं कि एक और पेज था, अब उसके बाद आर्टबोर्ड में आपको क्रिएट आर्टबोर्ड के बारे में बता दिया कि कैसे क्रिएट करना है। एक बार और रिपीट करता हूं, न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद यहां पे क्लिक करना है और ये आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाता है। और आर्टबोर्ड क्रिएट करने के बाद यहां से कंट्रोल डी अगर प्रेस करते हैं तो भी डुप्लीकेट बन जाएगा, ये सिलेक्ट करना है कंट्रोल डी, उसके बाद यहां से कंट्रोल डी इसका डुप्लीकेट बन जा रहा है। इस तरह से जो है आर्टबोर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैनुअली आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और इसमें से सपोज दैट कोई कस्टम साइज चाहिए आपको, जैसे कि आईफोन 5 का चाहिए तो ये क्लिक किए, देखिए ये आईफोन साइज का सिलेक्ट है। जब इस पे आप क्लिक करते हैं, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो साइड में ये सबका प्रॉपर्टी, ये इंस्पेक्टर है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, जिस पे आप टैप करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओपन होगा। जैसे टी पे क्लिक अगर करते हैं तो टी से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आएगा, और इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये पूरे हमारे आर्टबोर्ड है। तो आर्टबोर्ड में किसका लेना है, एप्पल से लेना है डिजाइन, तो ये दोनों डिजाइन स्टैंडर्ड होता है, इस पे डिजाइन हमेशा बनाए हैं कि बनाना होता है। ये पहले डिजाइन था जब ये 6 और 6 प्लस नहीं आया था, उस समय ये नीचे वाली डिवाइसेस, ये नीचे वाला डिवाइस यूज होता था ये, लेकिन अब आपको ये डिजाइन को टारगेट करना है। उसके बाद गूगल में अगर डिजाइन बनाना है, फोन में बनाना है डिजाइन, तो आपको गूगल के फोन में एक ही डिवाइस का रेजुलेशन है 360x640। उसके बाद एंड्रॉइड टैबलेट में बनाना है तो ये बना सकते हैं। तो आपको मैं ये बता दिया कि यहाँ से साइज लेना होता है। अगर सपोज दैट ये मैंने एक इमेज बनाया और इमेज पे कोई क्लिक कर दिया यहाँ से ये, और इसके बाद यहां से आर क्लिक किया और ये सेलेक्ट किया और इस पे कलर फिल कर दिया, और इसको अगर हम अल्ट के साथ, जैसा कि बताएं अल्ट और शिफ्ट अगर प्रेस करते हैं तो सीधा जाएगा, नीचे नहीं जा सकता है, जबकि केवल अल्ट से करते हैं तो कॉपी तो होगा लेकिन अलाइन नहीं होगा एक दूसरे से। तो आपको अलाइन रखने के लिए हमेशा अल्ट शिफ्ट से आपको कॉपी करना है, तो डुप्लीकेट बन जाएंगे ये। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे, ये तो क्रिएट करने का बता रहा था प्रोसेस कि कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन अब आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं कि सेलेक्ट आर्टबोर्ड कैसे करते हैं, कॉपी एंड रिसाइज आर्टबोर्ड कैसे करते हैं, ये दोनों के बारे में बता रहा हूं। इसके लिए आपको रिसाइज करना है, तो आपको ये जो दिख रहा है यहां से आप रिसाइज कर सकते हैं, देखिए ये जितने भी आप एंकर पॉइंट देख रहे हैं इसका, ये यहां से आप आर्टबोर्ड को रिसाइज कर सकते हैं, ये देखिए
और सेलेक्ट करने के लिए आपको मैं ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ से आपको ये वाला रहना चाहिए और यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, और उसके बाद ये आपको अगर कट करना है इस पे, मान लीजिए कि यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इसपे इसको यहां से कट करना है, तो यहां से सीधा कंट्रोल एक्स करना है, कट कॉपी पेस्ट सब कर सकते हैं ऑप्शन, राइट क्लिक करना है और सीधा कट करना है और यहां पे पेस्ट करना है, तो आप यहां पे पेस्ट कर लीजिए। ये हो गया कट कॉपी के बारे में मैं बताया आपको। उसके बाद अब मैं बताता हूं रीअरेंज आर्टबोर्ड, रीनेम आर्टबोर्ड। रीअरेंज करने के लिए क्या करना है वो देखिए, ये पकड़ना है, अगर आप चाह रहे हैं कि ये पहले स्क्रीन से आए ये बाद में आए, जैसे कि आपको एक सर्कल में बना के एग्जांपल दिखाता हूं, और इसको रीअरेंज करना है। यहां से देखिए, यहां ये हम फर्स्ट में रख रहे हैं, ये थर्ड में रख रहे हैं और इसको इधर रख रहे हैं, तो ये रीअरेंजिंग कहलाता है कि कैसे आपको रीअरेंज करना है। यहां से आपको रिलाइन करना है, तो ये तीनों लेयर को टॉप, जब भी आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करना है तो ये वाला सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है लेकिन शिफ्ट के साथ, तभी मल्टीपल आर्टबोर्ड सिलेक्ट होंगे। यहाँ से सिलेक्ट किए, शिफ्ट आपको प्रेस रखना है, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये तीनों सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आपको ये जो है टॉप से अलाइन करेगा, ये देखिए, और ये जो आपका है डिवाइड करेगा, इतना स्पेस को सेंटर से डिवाइड कर देगा, ये देखिए इस तरह से। अगर लेफ्ट लेते हैं तो सभी को लेफ्ट से अलाइन कर देगा, देखिए एक ही आर्टबोर्ड में सभी को पेस्ट कर दिया। और उसके बाद आपको ये आर्टबोर्ड है और ये चिप के साथ आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ये आपको सेंटर करना है, ये सेंटर हो गया और ये इस तरह से हो गया। अगर हम चाहते हैं कि इससे सभी अलाइन हो बॉटम से, तो आपको ये चिप के साथ सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ये बॉटम से अलाइन कर देना, ये बॉटम है, और बॉटम से अलाइन करने के बाद मान लीजिए कि एक इधर है और एक इधर है, और इसको सेंटर से सपोज दैट अलाइन करना है, तो यहाँ पे आपको ये सेंटर है, और ट्राई कीजिएगा ऑटोमेटिक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद इसको डिवाइड करना है, तो आपको डिवाइड मैं आपको बता देता हूं, ये क्लिक करना है। अब आपको हॉरिजॉन्टल बताते हैं इस तरह से, ये तीन आर्टबोर्ड हैं और तीनों आर्टबोर्ड को वर्टिकली अगर अलाइन करना है तो आपको लेफ्ट से ये लेना है और उसके बाद ये आपको डिवाइड कर देगा, देखिए। तो ये था अलाइनमेंट करने का प्रोसेस कि कैसे अलाइन किया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कॉपी एंड मूव एलिमेंट बिटवीन आर्टबोर्ड, कट कॉपी मूव रिसाइज जूम एंड डिलीट मल्टीपल आर्टबोर्ड सिमिलरली कैसे कर सकते हैं, ये बता रहा हूं। अगर आपको आर्टबोर्ड ये है और आर्टबोर्ड को सभी आर्टबोर्ड को एक बार में देखना है कि कौन सा आर्टबोर्ड है, तो आपको सीधा इस पे सिलेक्ट करना होगा, टोटल आर्टबोर्ड आ जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाला सिलेक्ट करना है, जूम करना है, तो आपको ये जो जेड है इस पे क्लिक करके ऐसे एरिया सिलेक्ट करना है और ये जूम हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो इतना एरिया सिलेक्ट करेंगे, जूम हो जाएगा। अब जूम हो गया तो रिसाइज कर ऐसे करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं 100% कर देंगे। अगर आपको हमेशा बड़ा हो रहा है तो ये जूम टूल से हो रहा है। अगर इसको अल्ट प्रेस करते हैं तो चेंज होता है, अल्ट आपको प्रेस करना है, अल्ट प्रेस करके आपको क्लिक करना है माउस को तो छोटा होगा, अगर अल्ट आप रिलीज करते हैं तो प्लस में चेंज होता है, जैसे कि एमएस वर्ड वगैरह में यूज होता है। तो ये था आर्टबोर्ड का जूम इन जूम आउट का सिस्टम। अगर कोई आर्टबोर्ड को रीनेम करना है तो क्या करेंगे, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे दिया हुआ है रीनेम, सॉरी यहाँ पे आपको दिया हुआ है रीनेम, अभी शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और जो आर्टबोर्ड का नाम लिखना है, जैसे वर्किंग विथ आर्टबोर्ड लिखना है तो यहाँ पे वर्किंग विथ आर्टबोर्ड, तो इस तरह से आर्टबोर्ड को रीनेम करते हैं। आर्टबोर्ड को रीनेम करने के लिए डबल क्लिक,
आपको करना है, उसके बाद टाइप करना है जो भी आपको आर्टवर्ड का नेम रखना है। अगर सभी आर्टवर्ड को सेम टाइप से देखना है तो सीधा आपको जूम टू फिट कंट्रोल जीरो जब करेंगे, यहाँ पे सब शॉर्टकट है जूमिंग का, जूम टू ये होगा, पूरे आर्टवर्ड दिख जाएंगे। अगर करेंट केवल आपको ऑब्जेक्ट का जूम करके देखना है तो कंट्रोल थ्री प्रेस करना है, ये देखिए। या आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज दैट हमने इसको जूम करके देखना है इस पेज को और बहुत छोटा है, तो जो आप सिलेक्ट किए हैं उसको अगर बड़ा देखना है तो कंट्रोल थ्री प्रेस करना है। तो कंट्रोल थ्री से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा। जैसे कि आपको एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और ऑब्जेक्ट को मैं इतना छोटा बनाया और उसके बाद इसको देखना है हमें, तो इसके लिए कंट्रोल थ्री प्रेस करना है, ये देखिए। क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है जूम टू सिलेक्शन, मतलब जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसी को जूम करेगा, और कंट्रोल माइनस से रिज्यूम होता है, कंट्रोल प्लस से जूम इन जूम आउट होता है। तो इस तरह से कंट्रोल माइनस किए और कंट्रोल प्लस कर रहे हैं, तो ये जूम इन जूम आउट का वर्क कर रहा है। कंट्रोल आपको वन प्रेस करना है तो 100% होगा। अगर आपका आर्टवर्ड 100% पे नहीं है, ये देख रहे हैं 25% है, अगर आप कंट्रोल वन प्रेस करते हैं तो 100% हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टवर्ड का सिस्टम जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट आपको ट्यूटोरियल्स जो बताऊंगा लेयर्स के बारे में बताऊंगा कि लेयर्स कैसे वर्क करता है, तो लेयर्स के बारे में आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।